गुणाला सेवाई लाता रोला दा गुणवाला जमा आई लाता जमा आई लाता गुणवाला जमा आई लाता रोला दा गुणवाला जमा आई लाता गुणवाला जमा आई लाता रोला दा गुणाला सेवा आई लाता अपला सोजर पेलता सेवा आई लाता अपला सोजर पेलता वाला सगा वाई लाता लाता जीवा सुरे सेवा मादलाता विडार सुरे सेवा मादलाता सगावेन सुरे सेवा मादलाता मुठवालिंगो सुरे सेवा मादलाता फड़ापेन सुरे सेवा मादलाता परसापेन सुरे सेवा सुक्तितांग सेवा मिग दंडो तलका कोटसी सेवा किंतोरो गोंडवाना दर्शन के महान मंच के तले हम भारत के समस्त ट्राइबल का भारत में रहने वाले 781 प्रकार के जितने भी जनजाति हैं उनका एक मुख्य जो समस्याएं हैं वह मुख्य समस्याएं हम आपको अभी लेकर आने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए या बाद में जो भी इस कार्यक्रम को सुनते हैं देखते हैं उन सबको अपनी सेवा जोहार अर्पित करता हूं। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के प्रणेता इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हमारे लिंगोवासी सुमेर सिंह तराम को मैं अपनी पेनांजलि सेवा अर्पित करता हूँ और उनके बताए हुए रास्ते को ही लेकर मैं आगे बढ़ाता हूँ। वर्तमान के भारत में अगर समस्त जनजातियों का कोई विशेष या सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो 2021 की जनगणना जिसमें भारत में रहने वाले लगभग 15 करोड़ जो ट्राइबल हैं उनका कोई अलग से धर्म कालम स्थापित करना है। गोंडवाना दर्शन एक बहुत ही सम्माननीय मंच है और मेरा मानना है यह मंच जिस प्रकार से अपनी कार्यशैली और कार्यप्रणाली को लेकर आगे बढ़ रहा है कहने का मेरा मतलब है यह गोंडवाना दर्शन जैसे कि नाम से ही जानते हैं कि गोंडवाना का मतलब आधा पृथ्वी से प्रतीत होता है तो यह गोंडवाना दर्शन इसमें कार्यक्रम देने वाले मैं देखा हूँ भारत के बहुत सारे ट्राइबल जो अलग अलग चाहे पूर्वोत्तर राज्य में हो चाहे मध्य भारत में हो चाहे उड़ीसा में हो या चाहे आपके मीणा हो या फिर भील हो अनेक प्रकार की अलग अलग जनजातियों का विचार और मैं तो कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले भी जो हमारे ट्राइब हैं उनसे भी इन्होंने संपर्क किया और उनका कार्यक्रम इसमें हमको देखने और सुनने को मिला। बिल्कुल गोंडवाना का जो अर्थ है या गोंडवाना दर्शन उस अर्थ को सार्थक कर रहा है। गोंडवाना का अर्थ ही विशाल है, इसको हमको सीमित करके नहीं रखना चाहिए बिल्कुल। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं भारत में रहने वाले लगभग 781 प्रकार की जो ट्राइब हैं उनके लिए मैं एक साथ आह्वान करना चाहता हूँ इसके तो दुखे समझे। यह हमारा कार्यक्रम 1 घंटे का रहेगा और 1 घंटे के बाद जो भी आप कमेंट्स करेंगे उसका कलेक्शन किया जाएगा, हो सकता है उसका बाद में हम जवाब दें। इस कार्यक्रम को ज्यादा खींचना उचित नहीं है, 1 घंटे का ही रखेंगे। तो जैसे कि हमारे पोस्टर में आपने देखा सुना और समझा कि हम 2 प्रश्न दिए थे आपको गोंडवाना दर्शन के माध्यम के पोस्टर के माध्यम से 2 प्रश्न दिए थे। पहला प्रश्न था कि भारत के 781 प्रकार के जो ट्राइब हैं आदिवासी हैं उनका अलग धर्म कालम स्थापित करना क्या दूसरी आजादी है, यह एक सवाल है। दूसरा सवाल कई सगाजनों के द्वारा उठाया गया कि अलग धर्म कालम स्थापित करना ट्राइबल के लिए आदिवासियों के लिए जनजातियों के लिए या भारत के 781 जो ट्राइब है उनके लिए अलग धर्म कालम करने से क्या आरक्षण पर कोई प्रभाव होगा, क्या आरक्षण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव होगा। इन 2 पॉइंट को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं, इसको सुनिए समझिए जानिए और अपना कमेंट्स जरूर दीजिए। आप सभी के कमेंट्स का हम स्वागत करते हैं
कमेंट जितना करेंगे उतना ही ज्यादा हमको सवाल मिलेगा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, निरंतरता रखने का हमको मौका मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, क्या आदिवासियों का धर्म कालम स्थापित करना दूसरी आजादी है? इसके ऊपर हम आज व्याख्या करते हैं। तो चलिए मैं आपको इतिहास के लिए चलता हूँ कि भारत के ट्राइबल लोगों का वो जो ट्राइबल कालम का इतिहास क्या है। हमारा इतिहास प्रारंभ होता है ट्राइबल लोगों का, ऐसे तो ट्राइबल लोगों का जो प्रकृतिवाद है उसका कोई इतिहास नहीं है। जब से पृथ्वी प्रारंभ हुआ है तब से उसका इतिहास माना जाना चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट या फिर संवैधानिक या कानूनी तरीके से अगर इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े तो हम इसको 1871 से प्रारंभ मानते हैं। 1871 में भारत में ब्रिटिश शासन था, उस समय पहला धार्मिक और जातीय जनगणना हुआ 1871 में, जिसका पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास है। 1871 से लेके 1991 तक का सारा डॉक्यूमेंट अपने पास है। 1871, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951 और आज तक जितने भी जनगणना हुए हैं सारे प्रपत्र हमारे पास मौजूद है। मतलब ट्राइबल का धर्म कालम के रूप में अगर इतिहास देखा जाए तो 150 साल पुराना हमारा इतिहास है, आज का नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1871, 1891 और 1901 इन तीनों में एबोरिजिन और एबोरिजिनल था। 1881, 1891 में, 1901 में, 1901 में एनिमिस्ट हुआ, 1911 में एनिमिस्ट हुआ, 1921 में एनिमिस्ट हुआ और 1931 में ट्राइबल रिलीजन हुआ। 1941 में जनगणना नहीं हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, इसलिए ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब दिया गया। और स्वतंत्रता के बाद 1951 में भी हमारा शेड्यूल ट्राइब था। तो ये हमारा इतिहास है, जो 150 साल पुराना इतिहास, इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ये 1871 का डॉक्यूमेंट है और 1871 के बाद हर 10 साल का डॉक्यूमेंट हमारे पास है। ये तो हमारा डॉक्यूमेंट सिस्टम हो गया। हमने सवाल उठाया कि वास्तव में दूसरा ट्राइबल कालम स्थापित करना वास्तव में क्या धार्मिक आजादी है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्वतंत्रता के पहले 1941 तक हमारा ट्राइबल कालम सेपरेट होता था, जो अलग अलग नामों से जाना जाता था। मैंने अभी आपका नाम बताया, अलग अलग नाम, एबोरिजिन, एबोरिजिनल, एनिमिस, ट्राइबल रिलीजन, ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब, ऐसा। इसके बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र होने के बाद 1951 तक आपका ट्राइबल कालम था। मतलब कहने का मतलब है भारत के संविधान बनने के पहले, ये भारत का संविधान बनने के पहले और भारत के संविधान बनने के बाद आपका ट्राइबल कालम सुरक्षित था। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, भारत, यहाँ कहना मैं उचित समझूंगा, भारत जैसे ही उस व्यवस्था के अंतर्गत आया जो व्यवस्था भारत के ट्राइबल को, भारत के आदिवासी को लगभग 5000 साल से गुलाम की दृष्टि से देखता आया है, वह व्यवस्था है हमारी आर्यन व्यवस्था, आर्यन व्यवस्था की कट्टरवाद व्यवस्था। तो जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद 1951 में भी भारत के संविधान में हमारे लिए एक अलग कालम की व्यवस्था किया गया था, लेकिन जैसे 1961 हुआ, 1961 में ट्राइबल कालम को हटा दिया गया, शेड्यूल ट्राइब को हटा दिया गया, अन्य का कालम दे दिया गया और इसके बाद लिख दिया गया कि आप कोई दूसरा धर्म, हिंदू या फिर क्रिश्चियन या फिर आप कहीं कहीं बौद्ध मान सकते हैं, ऐसा करके छोड़ दिया गया। एक तरीका से आपको यह कहना चाहिए कि जब तक भारत अंग्रेजों के शासन में था आपकी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार थी, लेकिन जैसे ही स्वतंत्र हुआ भारत, भारत ब्राह्मणी व्यवस्था के अंतर्गत आया तो आपकी धार्मिक व्यवस्था छीन ली गई, मैं बोलता हूँ छीन ली गई, और आपका धर्म का कालम सेपरेट था उसको हटा दिया गया। यह मेरा कहना उचित है। यह कुछ पत्रिका दैनिक जागरण है,
शुक्रवार 18 सितंबर 2020। ये पेपर का टुकड़ा है, इसमें आदिवासियों को गैर हिंदू बताने के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और संघ चलाएगा अभियान, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि विश्व हिंदू परिषद और संघ चलाएगा अभियान। उसका कहना है, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का साफ कहना है कि ट्राइबल अगर अलग धर्म कालम स्थापित करता है तो उसको गैर हिंदू बनाया जा रहा है, ऐसा कहना है। मैं हमारे संघ के जो परिवार के जो भैया जन है उनको साफ बोलना चाहता हूं कि आप स्टडी कीजिए, पूर्वा से ग्रह से ग्रसित होकर स्वतंत्र और निष्पक्ष माइंड को अपनाइए, तो आपको साफ लगेगा कि भारत के संविधान में आर्टिकल 13(3) ये साफ कहता है कि हमारी ट्राइबल का जो रूढ़ी प्रथा है उसको एक संवैधानिक बल या विधि का बल प्राप्त है, और इसको व्याख्या करेंगे आर्टिकल 13(3) को तो उसमें साफ झलकता है कि भारत में दो प्रकार का कोर्ट बिल है, एक है हिंदू कोर्ट बिल और दूसरा मुस्लिम कोर्ट बिल। और मेरे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और बहुत सारे हाई कोर्ट का बहुत सारे डिसीजन है जिसमें साफ कहा गया है कि हिंदू कोर्ट बिल, मैरिज एक्ट 1956-55, यह किसी भी ट्राइबल के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। कहने का मतलब है ना तो हमारे पास हमारे ऊपर हिंदू कोर्ट बिल लागू होता है ना मुस्लिम कोर्ट बिल लागू होता है, दोनों लागू नहीं होता, हमारे पास अलग ही हमारा कस्टम कस्टमरी ला है। फिर मैं आरएसएस के भैया जनों से निवेदन करूंगा, प्रश्न करूंगा कि आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं भारत के समस्त जनजातियों को हिंदू बताने का, ये आप भारत के संविधान की अवमानना कर रहे हैं, भारत के संविधान की अवमानना कर रहे हैं। आप संज्ञान लीजिए और हमको गैर हिंदू ऐसा शब्द मत बोलिए, हम गैर शब्द को उचित नहीं मानते, हम गैर शब्द को उचित नहीं मानते, हम गैर को 36 का आंकड़ा मानते हैं। हम जैसे कि भारत के 6 ट्राइबल कालम में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध है, उसी समकक्ष भारत के 15 करोड़ ट्राइबल खड़ा होना चाहते हैं, आपके समकक्ष खड़ा होना चाहते हैं, आपके विरुद्ध में खड़ा नहीं होना चाहते हैं। इस पेपर के कटिंग से माध्यम से लगता है कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का भैया जन हमको 36 के आंकड़े या फिर पराये की नजर से देखते हैं। तो बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं हम कोई पराया नहीं है, हम गैर नहीं है, भारत के संविधान के अंतर्गत जो हमको संविधान अधिकार मिला हुआ था और मिला हुआ 51 तक था और मैं बोलता हूं आज तक मिला हुआ है, उसी अधिकार को हम सामने रखते हुए ये आपको कहना चाहते हैं कि जैसे धर्म के कालम पे आप खड़े हुए हैं वैसे ही हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहते हैं। आप हमको गैर हिंदू बोलते हैं, मतलब धर्म कालम अगर अलग स्थापित हुआ तो समस्त ट्राइबल गैर हिंदू कहलाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। आप इस सोच को, इस चिंता को बिल्कुल निकाल दीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं कि गैर शब्द को हम उचित मान लें, तो मेरा कहना है कि हम गैर हिंदू भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, गैर क्रिश्चियन भी हैं, गैर बुद्ध भी हैं, गैर जैन भी हैं, जितने 6 प्रकार के कालम उनसे गैर हैं। गैर का मतलब यहाँ पर होता है अलग और भिन्न, गैर का मतलब 36 का आंकड़ा या किसी से हटकर अलग धर्म कालम बनाया जा रहा, ऐसा सोच मैं बोलता हूं नहीं है। हम किसी से भी अलग होकर अलग धर्म कालम की स्थापना नहीं कर रहे हैं, इन सभी लोगों को समझना चाहिए। मैं हिंदूवादी विचारों वालों को भी बताऊंगा, क्रिश्चियन के जो विचार वाले उनको भी बोलना चाहूंगा, मुस्लिम वालों को भी बोलना चाहूंगा कि हम आपसे अलग नहीं है, हम आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं, पुनः खड़ा होना चाहते हैं, क्योंकि हम पहले खड़े हुए थे। हमारा ट्राइबल कालम का इतिहास 150 साल पुराना है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप अगर संविधान के सम्मान करते होंगे, अगर आप संविधान का पूरी तरह सम्मान करते हैं तो ट्राइबल का सम्मान कीजिए और ट्राइबल का अलग कालम स्थापित होने में, पुनर्स्थापित होने में आप हमको साथ दीजिए। मेरा मानना है कि जैसे भी आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ कट्टरपंथी विचारधारा वाले माहौल को खराब कर रहे हैं देश में, पूरे ट्राइबल
या फिर आदिवासी के विरुद्ध में माहौल बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 13(3), आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, कॉन्स्टिट्यूशन का राइट 170 खा, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पैसा एक्ट, ये सारा चीज हमारा कस्टम कस्टमरी लॉ को प्रोटेक्ट करता है। तो आप हमको अपने हिंदू कोर्ट बिल के अंतर गवर्न नहीं कर सकते। बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये डिसीजन आया हुआ है कि आदिवासियों का रूढ़ी पद्धति, उनका जो दत्तक अधिनियम है, उनका जो सोपाना अधिनियम है जिसको तलाक अधिनियम बोलते हैं, उनके रूढ़ी प्रथा हिंदू कोर्ट बिल मुस्लिम कोर्ट बिल के अंतर्गत गवर्न नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर हमको हिंदू के अंतर्गत गवर्न करना चाहते हैं तो समझो हमको बंधक बनाए हुए हैं। हमारा सारा सिस्टम कस्टम कस्टमरी लॉ बिल्कुल अलग है, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अब जैसे मैं बताया कि वास्तव में धर्म कालम स्थापित करना क्या दूसरी आजादी है, मेरा मानना है, मेरा रिसर्च, मेरा शोध कहता है कि बिल्कुल समस्त भारत के 781 प्रकार के ट्राइब, और अभी के जनगणना में मैं तो बोलता हूं 17 से 18 करोड़ होंगे 2021 के जनगणना में, इनका अलग धर्म कालम अगर मिल जाता है, अगर भारत के समस्त ट्राइबल, भारत के समस्त आदिवासी, भारत के समस्त जनजाति 2021 की जनगणना में अन्य के कालम में सिर्फ और सिर्फ ओनली ट्राइबल शब्द, जो कानून का शब्द है, जो संविधान का शब्द है, इसको अगर अंकित कर देते हैं तो एक झटके में आप कट्टरवादियों के धार्मिक गुलामी से आजाद हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना, एक झटके में आप धार्मिक कट्टरवादी, चाहे वो कट्टरवादी हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मैं नहीं नाम लूंगा, आप समझ सकते हैं कौन कट्टरवाद, किसका धार्मिक कट्टरवाद भारत के समस्त आदिवासियों को, जनजातियों को, ट्राइबल को धार्मिक गुलामी के दायरे में रखा हुआ है। आपका बहुत सारा सेवा गंगो पूजा पद्धति धार्मिक गुलामी के अंतर्गत है। आप कुछ भी अगर अपनी सेवा गंगो करना चाहते हैं तो बोला जाता है आदिवासियों का अंधविश्वास के दायरे में है। आपका सेवा गंगो पूजा पद्धति में जानते हैं पूजबन सेवा है, बलि प्रथा है, लेकिन कहीं कहीं पशु बलि निषेध अधिनियम लागू होता है। हमने कई जगह आयोग से बोला, एक तरफ आप एंथ्रोपोलॉजी सर्वे करते हो किसी ट्राइबल का, और उसका पूरी तरह उसका जो एंथ्रोपोलॉजी में सारे के सारे रीति रिवाज संस्कार ओरिजिनल हो तभी आप उसको जाति प्रमाण जारी करने का अधिकार देते हो। तो हमारे कस्टम में, हमारे रीति रिवाज में, हमारे पूजबन सेवा है, बलि प्रथा है, तो इसको आपको लागू करना चाहिए। ठीक है ना, आपको तो नियमन कानून बना के रखे हो, इसका मतलब है हमारा कस्टम कस्टमरी ला रीति रिवाज संस्कार कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हम आए दिन देखते हैं टीवी में, टीवी के माध्यम से देखते हैं, टीवी में, सिनेमा में, ट्राइबल का कोई भी सिस्टम को या ट्राइबल को, आदिवासियों को कोई भी कुछ बोल के चला जाता है। उनका मानना है कि ट्राइबल का कोई रीति रिवाज संस्कार नहीं, कोई भी कुछ बोल दे उनको ये लोग सहन कर लेते हैं। मैं बताना चाहता हूं हमारा कोई भी ट्राइबल कालम सेपरेट नहीं है, इसीलिए कोई भी हमको कोई भी चीज बोल के चला जाता है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं जिस दिन हमारा ट्राइबल कालम सेपरेट हो गया, अलग हो गया, इन 6 लोगों से अलग हो गया, तो मेरा मानना है कि आप स्वतंत्र हो जाओगे, सेपरेट हो जाओगे, आपको कोई बोलने का अधिकार नहीं रखेगा। हमारे बहुत सारे साथी और हिंदूवादी व्यवस्था वाले भी कंफ्यूज है। आज कचारगढ़ की मिट्टी हमसे बिना पूछे, हमारे बिना अनुमति के लेके गए। उनका कहना है कि आदिवासियों का ट्राइबल का पूजा पद्धति, हमारा पूजा पद्धति एक ही है। वो हमको हिंदू मानते हैं, कंफ्यूजन में है। और हमारे भी कुछ साथी हैं, हमारे भी कुछ विधायक हैं जो केंद्र में बैठे हुए हैं, कोई राज्य में बैठे हुए हैं विधायक, वो लोग भी यही कहना है, कंफ्यूजन है, भ्रम में है कि हम हिंदू और ट्राइबल एक ही हैं। जिस दिन हम सेपरेट हो गए तो सबका मुंह बंद हो जाएगा, कोई ये भी ये नहीं बोल सकता कि हम हिंदू हैं, कि हम फलाना है, कि ठेकाना है। हम सिर्फ ट्राइबल कहलाएंगे संविधान की दृष्टि से। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा राइट्स है, एक सिर्फ और सिर्फ एक संवैधानिक,
एक कानूनी राइट्स है। कोई यह ना समझे कि ट्राइबल कॉलम अलग से स्थापित होगा तो राष्ट्र के लेवल कोई धर्म गुरु बनेगा, कोई धार्मिक पुस्तक बनेगा, कोई राष्ट्रीय गान बनेगा, कोई राष्ट्रीय झंडा बनेगा, कोई धर्म गुरु बनेगा, कोई धर्म पुस्तक बनेगा, जिसके अंतर्गत सभी ट्राइबल 781 प्रकार के ट्राइबल को आना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल आप भ्रम में मत रहिए। हम सिर्फ एक कॉलम की मांग करते हैं जो 10 साल का सेंसस होता है उसी में जनगणना के लिए। अदरवाइज हमको जो भी गोंडी का सिस्टम हो, गोंड में मानता रहेगा, सरना वाले सरना मानते रहेंगे, इसमें किसी को भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। सबका अपना अपना सिस्टम एज इट इज वही का वही रहेगा। 10 साल में जो जनगणना होता है, सेंसस होता है, उसी में हमको सेपरेट कॉलम चाहिए, सेपरेट एक घर चाहिए जिसमें हम अपने आप को जनगणना करा सके। सेपरेट जनगणना करा सकते हैं कि हमारा मानना है ये जो 6 कॉलम सेंसस में है उससे हम अलग है, उससे हम भिन्न है, इसलिए हमारा गिनती अलग होना चाहिए। आप ट्राइबल का सेंसस लेते हैं, 12 करोड़ का संख्या बताया है 2011 में, ये 12 करोड़ कैसे आया? आप देखे होंगे 7.5, आप जितना भी गिनती किए भारत की संख्या को उसका 7.5% दिखा दिया जाता है और प्रॉपर गणना नहीं किया जाता है। हो सकता है 7.5 से हम ज्यादा हो। अगर आप भारत के सारे ट्राइबल एक ही खाने में एक ही समय में अगर ट्राइबल लिख दें तो लगभग हम 17 करोड़ हो जाएंगे, 17 करोड़। तो मेरा मानना है अगर 17 करोड़ अगर 20 करोड़ होते हैं तो हम लगभग 12% हो जाएंगे, 12 से 13%। तो मेरा मानना है अगर 12 या 13% होते हैं तो ये समझिए जनगणना के आधार पर आपका रिजर्वेशन मिला हुआ है तो आप ज्यादा रिजर्वेशन के हिस्सेदार होंगे कि नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप अपनी जनगणना अगर एक कॉलम में कराते हैं तो आप में संगठन का प्रादुर्भाव होगा, आप में एकता का प्रादुर्भाव होगा। भारत का हर ट्राइबल एक ही खाना में बैठ के एक ही स्वर में बोलेगा कि एक नीति एक विधान और भारत के समस्त ट्राइबल एक समान, ये हमारा नारा होगा और भारत के समस्त ट्राइबल एक ही मतलब अपने खाते में करेंगे। अब ट्राइबल शब्द की व्याख्या, ट्राइबल शब्द प्रकृति का जो ट्राइडेंट फिलॉसफी है, ट्रेंगुलर फिलॉसफी है जिसको हम मुंदसुल सररी कहते हैं, त्रैशुल्य ज्ञान है, जीवन जीने का 3 रास्ता है, ये प्रकृति अपने 3 चाला पे जो चल रही है, टुंडा मंडा कुंडा, इसी चीज को जिस कम्युनिटी ने जिस ग्रुप ने अपने आचार विचार जीवन दर्शन रहन सहन खान पान में उतारा, जिसने प्रकृति का पीछा किया, जो प्रकृति का फॉलोअर है, जो प्रकृति का 3 डायमेंशन का फॉलोअर है, उसी को ट्राइबल कहा जाता है। प्रकृति 3 डायमेंशन में कंट्रोलिंग एंड बैलेंसिंग सिस्टम में रहता है, इसको मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब है हम जो भी सेवा उपासना गोंगो अपने अपने जगह में कर रहे हैं, रीति रिवाज संस्कार मान रहे हैं, जब तक कि आपका सेपरेट ट्राइबल कॉलम नहीं होगा, मेरा मानना है आप धार्मिक गुलामी के दायरे में है, आप धार्मिक गुलामी के दायरे में है। लेकिन आपने अगर एक ही झटके में ट्राइबल शब्द को अंकित कर लिया 2021 की जनगणना में, जो पूरी तरह संविधान का शब्द है, 1871 से वो ट्राइबल शब्द आ रहा है, एबोरिजिन ट्राइब, एबोरिजिनल ट्राइब, एनविस्ट ट्राइब, ट्राइबल रिलीजन, शेड्यूल ट्राइब, ट्राइब, और जब तक भारत का संविधान रहेगा तब तक ट्राइबल शब्द को कहीं नहीं मिटा सकता। इसमें आपके लिए 781 प्रकार जो जनजाति उनके लिए ट्राइबल शब्द लिखा हुआ है, 170 खा इसके अंतर्गत है, उसमें ट्राइब के लिए गया है, आर्टिकल 13(3), आर्टिकल 14(15)(16) ट्राइबल के लिए कहा गया है, आर्टिकल 342 जिसे प्रकार जिसके कारण आपको जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है वो ट्राइबल के लिए कहा गया है, 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची और आपका पैसा एक्ट ट्राइबल के लिए बोला गया है, सिर्फ किसी गोंड के लिए या सिर्फ सरना के लिए या सिर्फ भील के लिए या मीना के लिए नहीं बोला गया है। ट्राइबल शब्द 781 प्रकार की जो ट्राइबल लिस्ट में लिखा गया है उनके लिए बोला गया है। तो जब संविधान आपको टुकड़े टुकड़े की नजर से नहीं देखता तो संविधान अधिकार का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको भी अपने आप को टुकड़े की नजर से हटाना पड़ेगा। इस भारत के संविधान को सम्मान करते हुए
हमको 781 प्रकार के ट्राइबल को एक खाने में बैठना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि एक तीर एक कमान, सर्वादिवासी एक समान। और उसी को मैं आगे बोलते हुए बोलता हूँ कि एक नीति एक विधान, भारत के ट्राइबल एक समान। तभी हम बोल पाएंगे कि हम धार्मिक स्वतंत्रता से आजाद हुए। पहला आजादी 1947 को हुआ, लेकिन 1951 और 1961 के 61 के आते आते आपको फिर गुलाम बना दिया गया। आप धार्मिक गुलामी आपसे छीन ली गई, आपका धर्म कालम हटा दिया गया, आपको धर्म का कालम में गिनती गिनने का जो अधिकार था हटा दिया गया। इसलिए मैं बोलता हूं कि पहला आजादी आपका 1947 को मिला, लेकिन अगर 2021 की जनगणना में आपने ट्राइबल लिख दिया, भारत के 781 एक खाने में बैठ गए, गोंडवाना का जो मूल सिद्धांत है, लिंगों का जो मूल सिद्धांत है, और हमारे कंगाली दादा अवताराम साहब जो भारत के समस्त ट्राइबल को एक नजर से देखते थे, इनका अगर विचार को लेकर चलेंगे तो हम ट्राइबल शब्द को अंकित करें और भारत की आजादी में दूसरी आजादी को प्राप्त करें। मेरा पुनः कहना है कि भारत के समस्त ट्राइबल को कि आप 2021 की जनगणना में अन्य के कालम में ट्राइबल शब्द ही भरिए और भारत के समस्त ट्राइब एक ही झटके में धार्मिक गुलामी से आजाद हो जाएंगे। इसमें मैं आप लोगों से कमेंट चाहूंगा, निश्चित रूप से आप कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स के बाद जो भी आप कमेंट्स लेंगे उसके ऊपर हम फिर व्याख्या करेंगे। मैं इसमें और ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप जिसमें सवाल करेंगे उसके अंतर्गत हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा सवाल, जब भी हम कार्यक्रम लेते हैं तो हम अपने मर्जी से नहीं बोलते, हम ब्रेन स्टार्मिंग करते हैं कि मेरा ब्रेन और आपका ब्रेन दोनों ब्रेन स्टार्मिंग करें, उससे एक नए चीज की उत्पत्ति होती है। पुनेम, पुनेम यही चीज है। पुनेम एक बहुत बड़े विचार को लेकर चलने वाला है, धर्म कट्टरतावाद को प्रदर्शित करता है। जो धर्म के रास्ते पे हैं वो कट्टरवाद है, जो पुनेम के रास्ते पे चलते हैं उनका दिल और दिमाग ब्राट होता है। जैसे प्रकृति सब को समाहित करके चलती है, वैसे ही प्रकृतिवाद के मानने वाले, पुनेमवाद के मानने वाले, गोंडीवाद के मानने वाले, मूलवाद के मानने वाले, गोंडियन फिलॉसफी के मानने वाले, सरना फिलॉसफी के मानने वाले, और इसके बाद भीली मीणा जितने भी टाइप के फिलॉसफी के मानने वाले, सब के सब एक बड़े विचार को लेकर चलते हैं। इसी विचार को हम आगे बढ़ाते हुए आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल था कि क्या भारत के समस्त ट्राइब, भारत के समस्त जनजाति या भारत के समस्त आदिवासी मूल निवासी, कई शब्दों में अलग अलग शब्दों में है, उनका अलग कालम मिल जाता है, तो हमको जो आर्टिकल 342 जिसके अंतर्गत हमको जाति प्रमाण पत्र मिलता है, कास्ट सर्टिफिकेट जारी होता है, इसके ऊपर कोई प्रभाव होगा क्या? मैं बोलता हूं नहीं, क्योंकि हमारा जो धर्म कालम का मामला है, हमारा धर्म कालम का मामला है वो आर्टिकल 13(3) है, जिसमें हमारे रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, ठीक है ना। और आर्टिकल 13(3) और हिंदू कोर्ट बिल या मुस्लिम कोर्ट बिल में तीनों में डिफरेंसेस है। हम इससे डिफरेंसेस है, हिंदू कोर्ट बिल आर्टिकल 13(3) दोनों 36 का आंकड़ा है, समझिए, मतलब हिंदू कोर्ट बिल और आर्टिकल 13(3) दोनों अलग अलग चीज है। इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि हिंदू कोर्ट बिल और आर्टिकल 13(3) जो रूढ़ी प्रथा का जो बल या विधि प्राप्त है, लेकिन हमको जाति प्रमाण पत्र मिलता है आर्टिकल 342। तो मेरा कहना मतलब है आपका जाति प्रमाण पत्र और धर्म कालम ये दोनों में उतना ही अंतर है जितना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13(3) और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 342, इन दोनों के बीच जो अंतर है वही धर्म कालम और आरक्षण का अंतर है। मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि जाति प्रमाण पत्र के लिए आपके पास क्या चीज मांगा जाता है। कई लोगों का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र से बहुत प्रभावित होगा धर्म कालम से। मैं बोलता हूं नहीं, धर्म के आधार पर आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। आपकी जाति और वह जाति जो आज का नहीं स्वतंत्रता के पूर्व के दस्तावेज में जो आपका अंकित हो चुका है। तो मैं कहना चाहता हूं
एक सेक्शन आया था, एक चीज आया था कि जाति प्रमाण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, इसमें लिखा हुआ है कुमारी माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल डायरेक्टर तथा अन्य में AIR 1995 AC 94 में निर्धारित किया गया है कि जाति प्रमाण पत्र करने के लिए स्वतंत्रता के पूर्व के अभिलेख अभिलेख को विश्वसनीयता माने जाएंगे। कहने का मतलब है ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 1995 में कुमारी माधुरी पाटिल महाराष्ट्र के अंतर्गत हुई, जो फर्जी एक जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करके मेडिकल में एडमिशन ली थी, जिसका इंक्वायरी हुआ और इंक्वायरी होने के बाद फर्जी पाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। उसने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में जाति प्रमाण के वो हम नहीं मानते, स्वतंत्रता के पूर्व का जो दस्तावेज है उसको सही माना जाएगा, क्योंकि आरक्षण 1949 भारत के संविधान लागू होने पर प्राप्त हुआ और उसी संविधान में आरक्षण का प्रावधान था। अब सबका मानना है कि जब आरक्षण नहीं था 1949 से पहले, स्वतंत्रता के पहले, संविधान बनने से पहले, तो जिसने जो जाति बताया वो एक्चुअल में सही था, क्योंकि उस समय कोई आरक्षण नहीं था। उस समय जिसने जो जाति बताया वही सही माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आज जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बहुत सारे बोगस और फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले प्रकट हो गए, आपके महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में भी, आंध्र प्रदेश में भी है, इसके बाद इधर धनगढ़ का मामला है महाराष्ट्र में माना है, ऐसा बहुत सारा छत्तीसगढ़ में भी है, ऐसे प्रकट हो गए हैं कि हम भी आदिवासी हैं, हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके आरक्षण में आर्टिकल 342 में साफ है, कहता है कि इसका दस्तावेज, जिसको मिसल दस्तावेज कहा जाता है, भू अभिलेख दस्तावेज कहा जाता है, ये स्वतंत्रता के पूर्व होना चाहिए। तो स्वतंत्रता के पूर्व क्या चीज है? स्वतंत्रता के पूर्व में अगर दस्तावेज खोजेंगे, सेंसस खोजेंगे, आपका जाति अगर जनगणना खोजेंगे, तो स्वतंत्रता के पूर्व जनगणना 1941 आता है। 1941 में जनगणना नहीं हुआ था, 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण जनगणना नहीं हुआ था, एज इट इज जैसा जनगणना था उसी को मान लिया गया था ट्राइब के रूप में। तो उससे पहले जो जनगणना हुआ था, जो एक्चुअल हुआ था, वो है 1931 की जनगणना, 1931 की जनगणना, इसको सही माना गया है। यह है 1931 सेंसस ऑफ इंडिया, सेंट्रल प्रोसेस ऑफ बरार, ये नागपुर डिवीजन की ही सेंसस है, इसमें ये नागपुर डिवीजन का ही सेंसस है, देखिए सीपीएन बरार रिपोर्ट, इसी सेंसस रिपोर्ट को आज सुप्रीम कोर्ट सही मानता है। और इसी सेंसस रिपोर्ट में जिसका जाति में या भू अभिलेख में जो जाति लिखा हुआ है उसी को सही माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा धर्म का कालम बिल्कुल अलग है, जो आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत गवर्न होता है, जो संविधान बनने के बाद आया है, लेकिन ट्राइबल कालम का जो धर्म कालम है, ट्राइबल कालम का धर्म कालम जो हमारा 1871 से चला आ रहा है और 1891 से लेकर 1901 और 1911-21 और 1931 की जनगणना में जिसको सुप्रीम कोर्ट आज मानता है कि इसी के आधार पर मिसल देखा जाएगा, इसी जनगणना के आधार पर मिसल को मानता है, वो जाति मिसल को मानता है, तो आपको बताते हो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि इसी जनगणना में ट्राइबल रिलीजन लिखा हुआ है। जिस जनगणना को 1931 की जनगणना को सुप्रीम कोर्ट आज जाति प्रमाण पत्र का आधार मानता है, आर्टिकल 342 मानता है, उसी सेंसस में उसी 1931 की संस्करण सेंसस में ट्राइबल रिलीजन लिखा हुआ है जिसको आज हम क्लेम कर रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मानता है तो खुद ही संज्ञान लेना चाहिए कि अगर जाति प्रमाण के लिए हम 1931 को जनगणना को मानते हैं तो उसी जनगणना में ट्राइबल कालम लिखा है उसको भी संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को स्वतः जारी करना चाहिए धर्म कालम,
ये मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि हम संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं, हम कानून के दायरे में बात कर रहे हैं, हम भारतीय संविधान का जो सेंसस रिपोर्ट है, सेंसस ऑपरेट करता है, जो RGI है उसी के दायरे में बात कर रहे हैं। इसलिए 1931 जो स्टैंडर्ड टाइम है इसी में ट्राइबल रिलीजन लिखा गया है। आज जो जाति प्रमाण पत्र लेने जाएंगे तो इसी में आपका जो जाति अंकित है उसी के आधार पर आपको जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी इसी के द्वारा है। तो मेरा मानना है कि इसको संज्ञान में लेवे, और सभी ट्राइबल के भाइयों लोगों से बोलता हूँ कि मैं आप स्टडी कीजिए और स्टडी कर इस चीज को जानिए और समझिए कि भारत का संविधान हमारे हमारे अनुकूल में है, हमारे विरोध में नहीं है। इसीलिए ट्राइबल शब्दों में हम लोग चुन के लाए हैं जो लगभग 781 प्रकार के आदिवासी, उनके प्रतिनिधि जो अंडमान में एकत्रित हुए थे, उन्हें इस शब्द को जोड़ा जो 1871 से चला आते आते 1951 तक था। इसके बाद भारत के संविधान में अभी भी है, और जब तक भारत का संविधान रहेगा ट्राइबल शब्द को कोई हटा नहीं सकता। तो जो भारत के संविधान में है उसी को हम ट्राइबल कॉलम के रूप में मानते हैं, क्योंकि ट्राइबल किसी एक गोंड के लिए नहीं है, किसी एक सरना के लिए नहीं है, किसी एक भील के लिए नहीं है। ट्राइबल शब्द पूरे भारत के 781 के लिए बोला गया है, तो उसी कॉलम को हम पुनः स्थापित करने के लिए कहते हैं। और अगर ये पुनः स्थापित हो गया तो हम एक झटके में भारत की दूसरी आजादी को प्राप्त करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि एक बार स्वतंत्र हम हुए इसके बाद पुनः 1961 में पुनः गुलाम बना दिए गए। आज आपका धर्म संस्कृति रीति रिवाज भले आप मान रहे हो, लेकिन कानून के दृष्टि से जब भी आता है तो आपको नकार दिया जाता है, या आपके पक्ष में बहुत सारा डिसीजन नहीं होता, या आपका इसी चीज के द्वारा आपको बहुत सारा शोषित और पीड़ित किया जाता है। ध्यान रखिए, अगर जनगणना में धर्म का नाम आया तो कई लोगों का कहना है कि आपका आरक्षण में प्रभावित होगा। आप लोगों को बताते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता। आपका जाति मिसल में जो जाति लिखा हुआ है, और शेड्यूल ट्राइब में, शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में अगर आपका नाम है, आपका नाम गोंड है, आपका शेड्यूल ट्राइब में प्रधान है, भील है, मीणा है, संथाल है, ओ है, मुंडा है, नागा, खासी, जयंतिया है, तो आपको ट्राइबल का सर्टिफिकेट लेने से रोक नहीं सकता। ये भ्रामक हमारे विरोधियों के द्वारा प्रचार किया गया है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ और खुले शब्द में बोलना चाहता हूँ, तुष्टिकरण से हट के बात करना चाहता हूँ कि हमारे कुछ विरोधी जो हमको ट्राइबल कॉलम पाने से रोक रहे हैं, पुनः प्राप्त करने से रोक रहे हैं, और उनके द्वारा ये भ्रामक फैलाया गया है, जिनमें मैं कट्टर हिंदूवादी व्यवस्था को भी मानता हूँ, कुछ मिशनरी वालों को भी मानता हूँ, कुछ बुद्धिज्म के भी मानता हूँ, कुछ मुसलमान के हमारे भाइयों को भी मानता हूँ, ऐसा भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि ट्राइबल अगर अलग कॉलम स्थापित कर लिया, हमसे अलग हो गया, तो इनका आरक्षण बंद हो जाएगा। मैं संविधान की भाषा में बोलना चाहता हूँ, जिस दिन भारत के 781 प्रकार के ट्राइब अलग धर्म कालम स्थापित कर लिए तो उनका कालम, उनका आरक्षण तो सेपरेट हो जाएगा। ये 100% है, ट्राइबल कालम के मानने वाले 100% ट्राइबल कहलाएंगे। वो ट्राइबल का जाति प्रमाण पत्र अगर उसमें जाति मिसल में है तो उसके मिसल में अगर ट्राइबल कालम है तो उनका सेपरेट हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता, यह गारंटी नहीं दे सकता कि अगर ट्राइबल कॉलम अगर सेपरेट मिल गया तो भारत के 781 प्रकार के आदिवासी, जो आज हमारे बहुत सारे ट्राइबल या जनजाति या आदिवासी के भाई जो हिंदूवाद का चोला पहन के रखे हैं, क्रिश्चियनवाद या मिशनरी का चोला पहन के रखे हैं, मुसलमानवाद या दूसरे धर्म कॉलम का धर्म का चोला पहन के रखे हैं, हो सकता है इनका आरक्षण बंद हो जाए, क्योंकि अभी हमारा सेपरेट धर्म कॉलम नहीं है। इसलिए आप हिंदू लिख रहे हो, आप क्रिश्चियन लिख रहे हो, आप बौद्ध मुस्लिम फलाना ढिकाना लिख रहे हो। जिस दिन हमारा सेपरेट कॉलम हो गया, हमको सेपरेट धर्म बन गया, तो मैं इन सब लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि हो सकता है आपका घर वापसी हो। इसीलिए मैं भारत के समस्त ट्राइबल 781 प्रकार के भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि आपकी दूसरी आजादी होगी, और उस आजादी के रास्ते पे बहुत सारे ट्राइबल आपका साथ देंगे।
वो दूसरी आजादी आपका नए सूरज को लेकर आएगा, जिसमें आप स्वाभिमान, आप अपना गरिमा, आपका जो पुरखर के लोग जो बता कर गए हैं उसको पुनः स्थापित कर पाएंगे। भारत के समस्त आदिवासी अपने रीति रिवाज संस्कार को खुले की नजर से देख पाएंगे और भाईचारा और प्रेम भाव का भाव पहलेगा, वो अलग चीज है। भाइयों, निश्चित रूप से अलग कालम स्थापित करना आपके जाति प्रमाण पत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र और ट्राइबल कालम दोनों 1931 की जनगणना से निकल कर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है और डिसीजन है 1995 का कि 1931 की जनगणना को ही आधार माना जाए, 1931 की जनगणना को ही विश्वसनीयता के माना जाए। तो उसी सेंसस में हमारा ट्राइबल कालम लिखा हुआ है, उसी को हम पुनः स्थापित करना चाहते हैं संविधान की नजर में, संविधान के दायरे में। इसी को मैं, इन दो सवालों को आपके सामने रखा। हम ज्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे, हम सब लोगों से यह बोलना चाहते हैं कि कुछ कमेंट्स आया हुआ है, उस कमेंट्स को मैं देखना चाहता हूं। उस कमेंट्स में वनवासी भी बोला जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। हमारे कुछ भाई जो संघ परिवार के भाई हैं वो साफ बोल रहे हैं कि हम वनवासी हैं। नहीं, हम कहीं पर भी वनवासी नहीं हैं। 1951 का जो जनगणना हुआ है, जिसमें शेड्यूल ट्राइब लिखा हुआ है, शेड्यूल ट्राइब के सेक्ट में आदिवासी, सरना, गोंडी ऐसे अनेक शब्दों का समावेश किया गया है, तो हम कहीं पर भी वनवासी नहीं बोल सकते। वन में रहने वाला वनवासी ये हमारे लागू नहीं होता। इनको अच्छा से स्टडी करना चाहिए।